वेलकम बैक टू आर्य टेलीविजन। हमेशा की भांति विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट सूचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं लिखा है, छात्रवृत्ति से दें अपने सपनों को उड़ान। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 बचे हैं अंतिम 3 दिन। 30 सितंबर है अंतिम तिथि, यानी कि अंतिम तिथि यहाँ पे आ चुकी है। बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आइए हम समझ लेते हैं अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा ये छात्रवृत्ति योजना जो छात्रों को दी जा रही है वो किस क्लास से किस क्लास तक के छात्रों को दी जाएगी। साथ ही साथ उन छात्रों की इनकम कितनी होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए और किस लिंक के माध्यम से हम आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और किन छात्रों को मिलेगी ये यहाँ पर जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए देख लेते हैं सूचना क्या है। अगर आप पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और इसमें कहीं आर्थिक परेशानी सामने आ रही है तो घबराएं नहीं। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के माध्यम से आप अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं। इसके लिए आपको अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म फाउंडेशन की वेबसाइट आप देख सकते हैं https://foundation.amarujala.com या फिर अमर उजाला की वेबसाइट www.amarujala.com पर या फिर इस लिंक www.amarujala.com अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति 2020 पर जाकर भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां देना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा विभिन्न शहरों में निर्धारित केंद्रों पर होगी। फॉर्म भरते समय लिखित परीक्षा के लिए विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार शहर का चयन कर सकेंगे। इसके 54 शहरों का विकल्प फॉर्म में दिया गया है। परीक्षा केंद्र की सूचना ईमेल द्वारा भेजे जाने कार्ड में दी जाएगी, इसलिए हर आवेदक का ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। इस वर्ष अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में 9वीं और 10वीं के प्रादेशिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 30,000 रुपये की 18 छात्रवृत्तियां और 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50,000 रुपये की 18 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक पाने वाले वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं या कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं वे इस परीक्षा में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। पात्र विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे। 2019 में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए हुई परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 36 सफल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 14.4 लाख रुपए दिए गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थी फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक मोबाइल से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप एक मोबाइल से एक से अधिक फॉर्म भरना चाहेंगे तो फॉर्म स्वीकार नहीं होगा, इसलिए एक मोबाइल नंबर से एक एमबी से ज़्यादा का ना हो प्रमाण पत्र। विद्यार्थियों को फॉर्म में फोटो, पिछली कक्षा की मार्कशीट और आवासीय पते का प्रमाण लगाना होगा। कोई भी फोटो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। दृष्टिहीनों के लिए 2 विशेष छात्रवृत्तियां हैं। इस बार भी 2 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति परीक्षा में उन्हें सहायक लाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसमें ध्यान रखना होगा कि अपने से एक कक्षा नीचे का छात्र ही उनका सहायक हो सकता है। सहायक को स्कूल का आई कार्ड लाना अनिवार्य होगा। देखिए, इन छात्रों को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिल चुकी है, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। 9वीं कक्षा से ही सपना है कि IPS ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सकूं, पर मेरे इस लक्ष्य में बहुत सी बाधाएं थीं। जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंचा तो मेरे पिताजी की नौकरी चली गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के बारे में पता हुआ और इसकी परीक्षा देकर मैंने ये छात्रवृत्ति हासिल की।
इस छात्रवृत्ति ने मानो मेरे सपने में नया दम भर दिया और मैं आत्मविश्वास से भर गया। छात्रवृत्ति से मिले पैसों से ही मैंने 12वीं की पढ़ाई पूर्ण की, जिसमें मैंने 78% अंक हासिल किए थे। अचल कुमार लखीमपुर खीरी। परनीत कौर पंचकुला की हैं और ये बता रही हैं कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मैं अमर उजाला फाउंडेशन की वास्तव में आभारी हूँ। इस छात्रवृत्ति ने मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, शान है, अतः मैं श्री छात्रवृत्ति की मदद से मैं वर्तमान में कैट परीक्षा 2022 के लिए कोचिंग ले रही हूँ। मैं स्नातक होने के बाद MBA करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रुपचवन सबसे महंगे कोर्स में से एक है। इस स्कॉलरशिप ने मुझे आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। तो इस तरह से यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के क्या मायने हैं और कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, किस क्लास को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके बीच आए थे। ये चूंकि महत्वपूर्ण सूचना है, लास्ट डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण वीडियो को उन सभी छात्रों तक सेंड कर देना चाहिए आप सभी को जो इसके लिए एलिजिबल है।